वाला कंचू का महल है, आप आगे से हटो दूसरे महलों का बड़ी बहन मामा कंचू का महल, ये वाला कंचू का महल है, लाल पत्थर का बना हुआ है नी। इस समय लेडीजों की सरकार ने जेल बना दी है। आरती देखनी है, 100 रुपए सवारी आरती के लिए। घुमा के आरती दिखाओगे? फ्रेंड्स पहुंच गए विश्राम घाट, चलते हैं अंदर, जमुना जी के दर्शन करते हैं। ओ भैया कितने रुपए सवारी ले रहे हो? आरती देखनी है, आरती देखनी है, 100 रुपए सवारी आरती के लिए। घुमा के आरती दिखाओगे? कितने बजे स्टार्ट होगी आरती? कितने बजे? 7:30। फ्रेंड्स 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से कोर्ट में बैठ गए हैं और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। भगवान जी बारिश बंद कर दो। जय जमुना भैया। भाई बंदर डरा देते हैं, उसने लगता है कि फोन छीनने आ गए। ये लक्ष्मीचंद सेठ का हवेली है सेठ, जो बथराम है द्वारकाधीश का बंदर बनवाया मैंने। अच्छा, बंदराम में रंगी जी का सोने के खम्भे वाला उनकी हवेली है। दो मंदिर जान किए थे उनने, जब उनको 51 साल पुरुष की प्राणी हुई थी। यमराज और कृष्ण भगवान की पुत्री है जमुना जी। कृष्ण भगवान के साथ में 3.5 किलो लिए यमुना जी ने। ये आप आगे से हटो दूसरे महल, ये मामा कंचू का महल, ये वाला कंचू का महल है, लाल पत्थर का बना हुआ है नी। इस समय लेडीजों की सरकार ने जेल बना दी है। लेडीज वाली जेल सरकार ने लेडीजों की जेल बना दी है।
अच्छा जी, ये भी नई बात सुनने को मिल रही है, लेडीजों की जेल बना दी है। और पे सवारी चल रही है पहली बार की, आने जाने के घूमने के है भाई साहब। अरे हाँ फिर हो जाएगा। ये बड़ा गेट दिख रहा है लकड़ी वाला, भगवान रात को बाहर रहे भाई, पारू है कृष्ण भगवान को लेके। अच्छा इसी गेट से वो सामने गोकुल द्वार है, वो सामने व्हाइट वाला, वो व्हाइट वाला दिख रहा नहीं पेड़ों में, मुख्य सम्मान के गार्डन में। उसी से होकर निकल रहे थे, वहां से 10 किलोमीटर दूर गोकुल है। आया गोकुल में बारिश तूफान हुआ, तो वासुदेव जी बोले कि मेरा कान्हा भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, तो मैं कोयली घाट पड़ता बैल, तो उन्होंने बोला कोई लो तो भक्त कृष्ण भगवान ने अपना चरण जमुनाई जमुना जी को श्री कृष्ण भगवान के चरण छीने थे, उसको तो कृष्ण भगवान की जमुनाई पड़ रहा नहीं है, तो उन्होंने अपना पैर वापिस कर लिया। फिर जमुनी बोला कोई लो श्री भगवान ने अपना पर चरण जमुनाई में अर्पण कर दिया, घुटन घुटन पानी हो गया। बोलो श्याम सुंदर सिंह महारानी की गरज के लाला की जय। और इधर गोकुल है आपके पीछे, नंदगांव बरसाना जतीपुरा गोवर्धन इधर है, बीच में मरिया। तो बरसाना कितनी दूर है यहाँ से? 58 किलोमीटर। इंद्रावन है, यमुना के उस पर गोकुल है, और बीच में मथुरापुरी है, और पीछे नंदगांव बरसाना गोवर्धन जतीपुरा मंदिर पड़ता है। वो भाई भोजन लेके गई थी उनके लिए, फिर भी उनका पेट नहीं भरा तो मिट्टी खा। एक धूपवास होती है, वो जो सेवा करते हैं वो धूपवास का सेवन करते हैं, उससे पेट भरेगा उनका जब महापूरण हुए थे। जो बड़ी वाली घासनी आती है छोले पत्तों की धूपवास, जो घर में हवन भवन में भी लगाते हैं, तेरी करते हैं, उंगली में भी बांधते हैं उसको, उसका सेवन किया उसको खा गए पूरे। अभी 7 बजे हैं और 7:30 बजे आरती स्टार्ट होती है। अब आधा घंटा बोट के अंदर ही वेटिंग कर रहे हैं, फिर सीधा हम ये सीधा अपन देखिए आरती का स्थान ये है, यहाँ से आरती होगी और यहाँ हम बोट लगा करके बोट वाले सीधा आमने सामने से आरती दिखाते हैं। और अभी आधा घंटा वेट कर रहे हैं, सीधा आरती के टाइम पर अब आपसे मिलते हैं, जब तक कि हम बोट में आराम कर रहे हैं, पैसे पूरे वसूल कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये सांप है, गौर से देखिए फ्रेंड्स, सांप जा रहा है। फ्रेंड्स गाड़ी तो होते हुए देखी थी आपने, बोटिंग तो होते हुए देख लीजिए यमुना जी के अंदर। यमुना जी की अच्छी सफाई हो गई, पानी का कलर देखिए, कम है तो कुछ भी नहीं है। कितनी बोटें खड़ी होती है पहले तो।
मैया की जय हो, अमना मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। फ्रेंड्स, आरती में शामिल हो गए और इससे बड़ी क्या बात है। जय यमुना मैया की। कमेंट में जय यमुना मैया जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे।